अब देखिए सर, जो इनब्रीडिंग होता है इसके अंदर यहां पर सीधा साफ लिखा हुआ है, इनब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो यहां पर बिल्कुल भी अपन क्लोज रिलेशन में ही मेटिंग कराएंगे, बिल्कुल और उसमें भी क्या है, 4 to 6 जनरेशन तक लगातार कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए। ओके सर, अब इसको अपन एक स्लाइड से समझे, तो यहां पर अपन ने देखा एक सुपीरियर मेल हमारे पास है ओके और वहां पर एक सुपीरियर फीमेल हमारे पास है, तो ओके ये यहां पर क्या है, सेम ब्रीड है। ओके और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक लगातार कॉमन होने चाहिए। बिल्कुल सर, तो इसमें से अपन ने सुपीरियर मेल लिया, सुपीरियर फीमेल लिया, और ओके उसके बाद इनकी मेटिंग कराई, और ओके मेटिंग कराने के बाद हमारे पास आई फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन तो आ गई, यहाँ पर अपन देखते हैं फर्स्ट जनरेशन आ गई है। बिल्कुल अब इसके अंदर भी जो है, ये जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये बिल्कुल, दोनों सुपीरियर मेल और फीमेल और है। बेसिकली इन दोनों के एंसेस्टर भी सेम है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर सेम है, और ये जो ब्लिंक कर रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन के सुपीरियर मेल और फीमेल है। ओके अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ओके तो इस तरह से हम इनको सेलेक्ट करेंगे, तो ये ओके देखिए मेल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है और वो ओके फीमेल वहां पर सेलेक्ट हो गई है। अब इनके ओके अंदर अपन मेटिंग कराएंगे तो हमारे पास आएगी सेकेंड जनरेशन। बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल जो सेकेंड जनरेशन है ये कौन से मेथड से आ रही है, इन ब्रीडिंग से। बिल्कुल मतलब आ अपन रही है, क्लोज रिलेशन में मेटिंग करा रहे हैं अब तो 4 to 6 जनरेशन। बिल्कुल और सर, इसके अंदर भी फिर मेल सुपीरियर होगा और फीमेल सुपीरियर होगी, ओके सर। सर तो ये इस तरह से अपन इन ब्रीडिंग को कराते हैं। सर ये सुपीरियर मेल का क्या मतलब है? सुपीरियर मेल मतलब एक तो देखिए ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी जैसे क्वालिटी, बुल के अंदर क्या देखा जाता है, वेट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा है ना। सर, काउ ओके के अंदर क्या देखा जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए, सर, तो बिल्कुल ये दोनों बातें इनको सुपीरियर बनाती है। अच्छा सर, अब जो ओके इनकी प्रोजेनी है इनके अंदर भी सुपीरियरिटी बनती जाएगी, है ओके ना। तो इस तरह से अपन इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, इन ब्रीडिंग से सर हमें और क्या-क्या फायदा है सर? अब देखिए जो इन ब्रीडिंग होता है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है सर, तो इनब्रीडिंग से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी ओके और क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये ओके होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको किसी एनिमल में प्योर करेक्टर चाहिए, जैसे आपको बिल्कुल याद होगा मेंडल जो है वो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ इस तरह के बिल्कुल, जो पी प्लांट डेवलप करता था, तो अच्छा अगर आपको किसी एनिमल में प्योर करेक्टर चाहिए यानी प्योर ओके लाइन एनिमल आपको बनाना है, तो ओके उसके लिए इनब्रीडिंग का मेथड बहुत ही फायदेमंद आता है। ओके सर, तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, ओके क्वालिटी इंप्रूव होगी, ओके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, और ओके प्योर लाइन सिलेक्शन में भी अपने को बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सर, सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अपन लगातार इनब्रीडिंग कराते जाएं तो ये बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनब्रीडिंग है वो एक्सपोजर्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स बिल्कुल सर, दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। बिल्कुल तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाइए। ठीक है सर, इसमें हम ये बात करते हैं जैसा कि आपने पूछा कि इन लगातार अगर इनब्रीडिंग कराएं तो वो फायदेमंद होगा या नुकसान देगा, तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराते रहेंगे तो कंटिन्यू इनब्रीडिंग से टाइम के साथ साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन सर। हाँ सर, यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो अच्छा इनब्रीडिंग है वो सुपीरियर जीन्स को तो एक्युमुलेट करेगा बिल्कुल, लेकिन एलिमिनेट करेगा किसको, लेस डिजायरेबल लेस जीन्स को, तो डिजायरेबल इससे तो फायदा होना चाहिए। नहीं सर, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन और देखिए आप, वहां पर लिखा हुआ है इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसी से हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समझ सकते हैं सर। अच्छा, अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समझने के लिए हमें एक स्लाइड लेनी पड़ेगी सर। अब यहाँ पर आप सब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सुपीरियर मेल है, सुपीरियर मेल का जीनोटाइप हमने देख लिया कि वो है कैपिटल ए और कैपिटल है, ये हमारे पास एक सुपीरियर फीमेल है, और हमने ये मान लिया कि इसके अंदर ये एक जो रेड कलर का जो स्मॉल ए है ये एक म्यूटेंट हार्मफुल एलील है और हमें दिख रहा है कि ये रिसेसिव है। जब तक ये इस कंडीशन में रहेगा तो इसका कोई इफेक्ट इस एनिमल पर नहीं आएगा, रिसेसिव कंडीशन में ये इफेक्ट नहीं आएगा बिल्कुल। अब जब ये दोनों मेटिंग करेंगे, जब इन दोनों की इनब्रीडिंग होगी तो यहाँ पर चार तरह की प्रोजेनी बन सकती है। चार तरह की प्रोजेनी में दो प्रोजेनी तो कैपिटल है कैपिटल ए वाली हो जाएगी, लेकिन ये जो दोनों प्रोजेनी है ये वापस हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाएगी, तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। फिर जब हम इन दोनों की इनब्रीडिंग करवाएंगे, जब इन दोनों हेट्रोजाइगस की हम इनब्रीडिंग करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो एनिमल बना ये बन गया रिसेसिव कंडीशन में। अच्छा, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, जो एलील थे वो होमोजाइगस कंडीशन में, रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, ये हार्मफुल है, मतलब ये मेंबर बीमार है।
इस मेंबर को डिजीज है। अब देखिए सर, यहाँ तो केवल एक ही मेंबर बीमार है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि इस तरह के अगर मान लीजिए कई सारे मेंबर बन जाएं, तो उस पूरी पॉपुलेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में इनब्रीडिंग करवाई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सपोज हो गया। अब जैसे ही हमें ये पता लगेगा कि ये बीमार एनिमल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके पेरेंट्स के जीनोटाइप को ट्रेस कर सकते हैं और हम उसमें से जो भी कैरियर होगा, जैसे ये कैरियर है, तो हम इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं इस पेरेंट्स को। तो यहाँ पर ये होगा सर, तो मतलब सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि जब जो इनब्रीडिंग है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, बिल्कुल, और इससे जो हार्मफुल रिसेसिव एलील होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और अगर वो एक्सपोज होने लगते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और फर्टिलिटी भी कम होती है। सर, ये सीधा सीधा इनब्रीडिंग, बस इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं सर। ठीक है सर, और अब ये जैसे वहां पर इसको दूर करना हो, बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल सर, अब हमारे पास ये सवाल उठता है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो आ गया, हमें इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर रिमूव करना है, हमें इसको ओवरकम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेल या एक ऐसा मेंबर लेना पड़ेगा जिसके एंसेस्टर इसके साथ कभी शेयर ना हुए हों। मतलब हमें एक अनरिलेटेड एंसेस्टर नहीं होने, बिल्कुल, हमें अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, हमें सेम ब्रीड का एक अनरिलेटेड एनिमल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये सेम ब्रीड का हमने अनरिलेटेड मेंबर लिया जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए है, इसका और इस वाले का हमने दोनों का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, मैटिंग करा दी। अब जो प्रोजेनी बनेगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए वाली बनेगी और वो बीमार नहीं होगी। तो सर ये जो प्रोसेस हमने लगाया, हमने क्या प्रोसेस लगाया, हमने सेम ब्रीड का अनरिलेटेड एनिमल लिया और हमने उसकी क्रॉसिंग इससे करवा दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर आउट क्रॉस। अच्छा, तो ये आउट क्रॉस हुआ, बिल्कुल सर। तो आउट क्रॉसिंग में अपन क्या करेंगे, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए आउट क्रॉस, हम आउट क्रॉस में अनरिलेटेड एनिमल जो सेम ब्रीड का होगा उसके साथ मेटिंग करा, बिल्कुल सर। तो फिर सर इससे प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी वापस से, क्योंकि ये क्योंकि अब जो प्रोजेनी बनेगी वो बीमार नहीं होगी ना सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, वापस हेटरोजाइगस। तो इसी से हम एनसीईआरटी की वो लाइन क्लियर कर सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि ए सिंगल आउट क्रॉस, ए सिंगल आउट क्रॉस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सर। तो अब आपको ये ध्यान होगा सर कि ये जो मैंने बताया अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस, और थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आउट क्रॉस इज ए पार्ट ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, इसका मतलब अब ये प्रूव हो गया कि आउट ब्रीडिंग में जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ब्रीड का ही यूज होगा, आउट ब्रीडिंग में सेम ब्रीड वालों का भी यूज हो सकता है सर। अब सर आउट ब्रीडिंग के बारे में हम थोड़ा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं कि आउट क्रॉस जो हमने करवाया है उसका और क्या यूज हो सकता है, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आउट ब्रीडिंग का पहला मेथड आउट क्रॉस है, और आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं, मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड का मेंबर हमने लिया बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 generation, 4 से लेकर 6 generation तक उनकी पेडिग्री में कहीं कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इनब्रीडिंग में तो अपन ने कॉमन एंसेस्टर लिए थे, बिल्कुल, लेकिन ब्रीड तो सेम है पर कॉमन एंसेस्टर, पर कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस। दूसरा हमने देखा कि आउट क्रॉस से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, इसका मतलब आउट क्रॉस जो है वो एक बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है उन एनिमल्स के लिए जो प्रोडक्टिविटी में बिलो एवरेज हो चुके हैं। प्रोडक्टिविटी में बिलो एवरेज होने का मतलब जिनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है या जिनके ग्रोथ की रेट कम हो गई है, और ग्रोथ की रेट कम होने की वजह से उनमें बीफ का अमाउंट जो है वो कम मिल रहा है। तो इसको हम एनसीईआरटी की लाइन से भी समझ सकते हैं, इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल्स। सर इसकी वजह शायद इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही रहा होगा, बिल्कुल सर, इनका प्रोडक्शन कम हो गया, बिल्कुल सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से अगर इनका प्रोडक्शन कम हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं आउट क्रॉस करा करके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सर।
तीसरा पॉइंट भी हमारा वही है कि बार बार हम वही बात कह रहे हैं कि ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये पहला तरीका हुआ सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एग्जाम के हिसाब से। अब आउट ब्रीडिंग का जो दूसरा तरीका है सर, वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में सर आप हमें कुछ समझाइए। अब देखिए, जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है उसको अपन एक स्लाइड से अभी समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा है कि सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। तो अभी थोड़ी देर पहले सर ने आपको बताया था सेम ब्रीड में मेटिंग, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रीड में मेटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, तो इसके अंदर सुपीरियर मेल का सिलेक्शन करेंगे। सुपीरियर मेल भी एक ब्रीड का होगा, सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड की। ओके सर, ओके। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, क्यों कर रहे हैं अपन इसको? बिल्कुल, इसका एम क्या है? अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है, बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखिए, हमने दो दो सुपीरियर एनिमल्स लिए हैं। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बुल है, बिल्कुल, वो वेट कैरिंग कैपेसिटी में अच्छा है। बिल्कुल। कोई काउ है, मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी है। बिल्कुल सर। या फिर अपन शीप की बात कर लें, शीप, कोई शीप है जो वूल प्रोडक्शन में अच्छी है, बहुत अच्छी। और ऐसे ही दूसरी ब्रीड की शीप है जिससे अपने को मीट वगैरह अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सर। या डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन चाह रहे हैं कि भाई ये दो अलग अलग ब्रीड की क्वालिटी एक सिंगल एनिमल में आ जाए, दोनों, हाँ मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर अपन दो अलग अलग ब्रीड की क्वालिटी एक सिंगल एनिमल में लाना चाहते हैं, ओके, ये मेथड बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। और उसको अपन बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ओके सर। और इसीलिए लिखा हुआ है क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। बिल्कुल सर। दो अलग अलग ब्रीड की डिजायरेबल क्वालिटी एक एनिमल के अपन कंबाइन कर देंगे। अब इसको अपन एक स्लाइड से समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने जो यहाँ पर ली है वो है बीकानेरी ईव। अच्छा। और बीकानेरी ईव मतलब ये हमारे यहाँ की इंडियन वैरायटी में फीमेल शीप है। ईव का मतलब होता है फीमेल शीप। और वहां पर अपन ने लिखा है मेरिनो रैम। अच्छा। अब ये जो है ये फॉरेन वैरायटी की है। मेरिनो रैम फॉरेन वैरायटी का मेल शीप है। अच्छा सर। अब ये जो बीकानेरी ईव है ये अपनी लस्ट्रस व्हाइट कलर की कार्पेट वूल के लिए जानी जाती है। अच्छा, कार्पेट वूल। बिल्कुल, इससे बहुत बढ़िया व्हाइट कलर की कार्पेट वूल मिलती है। और वो जो मेरिनो रैम है ये शीप बहुत टफेस्ट शीप है और कहीं भी ये अडेप्ट हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन के लिए भी ये इजीली अडेप्टेबल होती है। और इसके अलावा आपने जो सुना ही होगा कि जो मेरिनो वूल होती है वो भी फाइनेस्ट क्वालिटी की वूल होती है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग ब्रीड की क्वालिटी अपने को एक ही शीप में चाहिए। okay. और इसलिए अपन ने क्या किया है, इंडियन वैरायटी जो फीमेल शीप है वो बीकानेरी ईव। अच्छा। और फॉरेन वैरायटी का मेरिनो रैम जो मेल शीप है, इन दोनों के बीच में अपन ने कराया है क्रॉस ब्रीडिंग। ओके सर। तो अब देखिए, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका रिजल्ट हमारे पास आया हिसार डेल। अच्छा। और आपको याद होगा कि इसी साल नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है हिसार डेल का, कि भाई जो हिसार डेल शीप है वो कौन से ब्रीडिंग मेथड से बनाई गई है। तो अपन बोलेंगे कि ये रिजल्ट है इसका क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग किस किस के बीच में है, बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम के बीच में है। अब ये जो हिसार डेल शीप है इसमें दोनों की क्वालिटी एक साथ आ जाएगी। अच्छा सर, इसमें इसका नाम सर हिसार डेल क्यों है? भाई इसका नाम हिसार डेल इसलिए है क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जब पंजाब डेयरी ने इसको बनाया है, पंजाब डेयरी ने बनाया है, जब हिसार जो है पंजाब का हिस्सा करता था। अच्छा। ओके। और आजकल जो है हिसार वो हरियाणा में मिलता है, हरियाणा का पार्ट हो चुका है। ओके। तो ये जो हिसार डेल है वो पंजाब डेयरी ने बनाई थी क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से, काफी पुराने टाइम में जब हिसार पंजाब का हिस्सा करता था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रखा है हिसार डेल। अब सर जो हिसार डेल है, जैसे ये तो एक ही शीप बनी है। बिल्कुल, है ना? यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने बीकानेरी ईव का और मेरिनो रैम्स का क्रॉस ब्रीड करवाया। हाँ बिल्कुल। अब क्रॉस ब्रीड के बाद ये एक हिसार डेल बन गई, तो सर ये तो बूढ़ी होकर के मर जाएगी। तो फिर हम क्या दोबारा इन दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे? नहीं नहीं सर, अब ये जो हिसार डेल बनी है ना ये एक स्टेबल ब्रीड बनेगी क्योंकि इसकी इनब्रीडिंग अपन करा लेंगे। अच्छा। मतलब अब जो हिसार डेल है वही आपस में ब्रीडिंग करेंगे। अच्छा। और इसको अपन इनब्रीडिंग बोलेंगे और उससे काफी सारी हिसार डेल अपने पास इकट्ठी हो जाएगी। ओके सर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले हम हिसार डेल बहुत सारी बना बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। जब बहुत सारी हिसार डेल हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम उन सारी हिसार डेल में इन ब्रीडिंग कराएंगे। हाँ। और उनकी इन ब्रीडिंग के बाद क्या होगा कि बहुत सारी हिसार डेल बन जाएगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये हिसार डेल एक नई स्टेबल ब्रीड की फॉर्म में आ गई है। बिल्कुल सर। ओके, तो ये अपने पड़ा क्रॉस ब्रीडिंग। बिल्कुल सर, ये क्रॉस ब्रीडिंग ये जो दूसरा मेथड था अपना आउट ब्रीडिंग का। हाँ सर बिल्कुल। अभी जैसा कि हमने बताया कि आउट ब्रीडिंग के तीन तरीके हैं, पहला आउट क्रॉस हो गया, दूसरा क्रॉस ब्रीड हो गया, अब तीसरा जो तरीका है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन।
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सा मतलब यह है कि हम दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में मेटिंग करवाएंगे। नॉर्मली अच्छा। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर हैं वो मेटिंग नहीं करते, लेकिन जब रिलेटेड होती है स्पीशीज, जब स्पीशीज बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, जैसे यहाँ पर हमने ये दिया, ये डोंकी है, ये मेल है और ये है हॉर्स, ये फीमेल है। जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं म्यूल। अच्छा, अब जो प्रोजेनी है, हाँ, उसे म्यूल। अब देखिए, इसमें दोनों स्पीशीज के करेक्टर होते हैं। हॉर्स जो है वो पावरफुल होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और डोंकी जो है वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो बना वो म्यूल बना। म्यूल जो है वो हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में जैसे वैष्णो देवी की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा, जो बड़ी बड़ी हिली एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम ज्यादातर म्यूल्स का यूज करते हैं सर। बिल्कुल सर। अब देखिए सर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो हॉर्स है वो अलग स्पीशीज है और डंकी अलग स्पीशीज है। बिल्कुल, है ना। तो मतलब दो अलग अलग स्पीशीज का क्रॉस जो है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल जो है सर, वो म्यूल बना। ये जो म्यूल बना सर, ये आगे प्रोजेनी नहीं बना सकता, ये स्टीराइल है। ये तो स्टीराइल है। फिर हमको हर बार म्यूल किस तरह से बनाना सर? हर बार म्यूल बनाने के लिए हमें हर बार हॉर्स और डंकी को ही हमें मेटिंग करवानी पड़ेगी इसमें सर। अच्छा अच्छा। मतलब और म्यूल जो है वो फिर हम इसको क्या एक डिफरेंट स्पीशीज बोल सकते हैं? नहीं सर, म्यूल की कोई स्पीशीज नहीं होती, म्यूल का कोई बायोलॉजिकल नाम नहीं होता, ये एक स्टेराइल एनिमल है। स्टेराइल, और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर हम पेरेंट्स को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब, जैसे यहाँ हमने लिया मेल डोंकी, मेल डोंकी के बजाय हम यहाँ ले लें फीमेल डोंकी। अच्छा, अगर हाँ, अगर हम फीमेल डोंकी ले लें और मेल हॉर्स ले लें। अच्छा। तो जो प्रोजेनी बनेगी उसे हम कहेंगे हिन्नी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब म्यूल बना जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स था। बिल्कुल। और हिन्नी जब बनेगी, जब वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, सर, रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल, फिर मतलब फीमेल हॉर्स हो जाएगा। मेल हॉर्स हो जाएगा, बिल्कुल सर। उसका जो प्रोजेनी होगी वो हिन्नी, वो हिन्नी होगी। और सर वो भी फर्टाइल होगा सर? इस तरह से जो भी प्रोजेनी बनेगी वो फर्टाइल नहीं होगी, वो हमेशा स्टीराइल, ज्यादातर स्टीराइल ही होता है। ये दोनों स्टीराइल होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट बट रिलेटेड। रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज दे आर मेटेड, तो इसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इन सम केसेस द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। हाँ, ये हार्ड वर्किंग है, ये ओबीडियंट है, दोनों क्वालिटीज इस म्यूल में या हिन्नी में आ गई और ये कंसिडरेबल इकोनॉमिकल वैल्यू के हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन हिली एरियाज। दोनों की क्वालिटी इस एक सिंगल एनिमल। बिल्कुल सर। तो ये हमारे हुए आउट ब्रीडिंग के तीन मेथड हो गए, जिनमें पहला आउट क्रॉस था, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग था जो हिसारडेल आपने बताया, और तीसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जिसमें म्यूल और हिन्नी के बारे में हमने बात करी।